आत्मनस्वरूपावस्थितोर्मोक्षः। आत्मा का स्वरूप में अवस्थान ही मोक्ष है। ऐसा कहकर अद्वैत वेदांत में मुक्ति को परिभाषित किया गया है। श्री शंकर भगवत पाद ने वासना प्रक्षयो मोक्षः, वासनाओं का आत्यंतिक क्षय ही मोक्ष है कहकर मुक्ति का व्याख्यान किया है। जीव स्वभावतः मुक्त ही है, मोक्ष का उत्पादन भी नहीं होता और उसकी प्राप्ति भी नहीं होती। जिस प्रकार आरोग्य हमारी स्वाभाविक अवस्था है और अनारोग्य आगंतुक है, उसी प्रकार मोक्ष यह हमारी स्वाभाविक अवस्था है, बंध आगंतुक है। परंतु जीव इस शाश्वत सत्य को भूलकर मुक्ति की खोज करता रहता है। सद्गुरु की कृपा से जब उसका अज्ञान दूर होता है, तब वह पाता है कि वह सदा से ही सच्चिदानंद स्वरूप है। मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने का तात्पर्य अज्ञान की निवृत्ति में है। इसीलिए श्रीजी ने भी कहा है, बंध मुगति नहीं ब्रह्म तू साचा, क्यों रोता रंडा दीवाना, आपको नहीं ढूंढा। श्रीजी ने अपने पद साहित्य में बंध और मोक्ष दोनों को भ्रम कहा है। बंध मोक्ष भ्रम कोण तो जाने, अवघा ब्रह्मानंद, धन्य धन्य ति धन्य धन्य, आम्ही झालो पूर्णानंद। बंध और मोक्ष दोनों भ्रम हैं, सब कुछ ब्रह्मानंद स्वरूप है। श्री गौड़पादाचार्य ने मांडूक्य कारिका में मुक्ति की अवधारणा का निषेध किया है। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। वहां न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है और न ही कोई मुक्त है। यही परमश्रेष्ठ सत्य तत्व है। श्रीजी ने भी इसी मत को स्वीकार करते हुए ज्ञान की परमोच्च अवस्था में बंध और मुक्ति दोनों अवधारणाओं का निषेध किया है। मांडुक्य उपनिषद में जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों से अतीत चौथी अवस्था को तुरीय अवस्था कहा है। यद्यपि श्रुति ने अल्पज्ञ जीवों को समझाने के लिए ब्रह्म के चार पादों की कल्पना की, तथापि वह ब्रह्म एकरस और अखंड है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं यदि परमार्थतः सत्य होती तो चौथी अवस्था को गिना जा सकता था। जब पहली, दूसरी और तीसरी तीनों अवस्थाएं परमार्थतः मिथ्या हैं, तब चौथी अवस्था की गिनती आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार 500 के तीन जाली नोट और एक सच्चा नोट मिलकर 2000 रुपये नहीं बनते, उसी तरह तीन मिथ्या अवस्थाओं से अतीत अवस्था को तुरीय कहना उपयुक्त नहीं है। इसीलिए श्रुति माता ने भी चतुर्थम मन्यन्ते ऐसा कहा है। यह वास्तव में चौथी अवस्था होती तो मन्यन्ते, माना जाता है, ऐसा शब्द प्रयोग श्रुति कभी नहीं करती। श्रीजी का मानना यह है कि मांडुक्य उपनिषद में जिस स्वरूप का वर्णन हुआ है वही एकमात्र स्वरूप है। उसके अतिरिक्त पहली, दूसरी, तीसरी इत्यादि किसी अवस्था में वास्तविकता नहीं है। इसी को श्रीजी ने तुरीय बोध निरास कहा है। बड़े कल्पिता त्या महादोष लागे,
ब्राह्मणोनी श्रुति लेति लेति ति सांगे असे नाही त्यासी कदा बोलवे ना विधिवा निषेधासी तो आतळे ना अहम ब्रह्म बोधे जरी हो सुखावे परी तो स्वरूप स्थिति तीन पावे स्वरूपासी त्यागोनि ब्रह्मास्मि गाता आहा मुक्तता केवि ये लहाता स्थिति त्यागुनी वृत्ति सौख्यची घ्यावे तरी हो सुखे बद्ध रूपे असावे दिसे काम का कामिनी ब्रह्मलीला तिला तापसी तो महातुच्छ केला जया बद्ध मी दृश्य हे तुच्छ वाटे अहम ब्रह्म बोधे तया सौख्य दाटे अरे जास्थली स्फूर्ति वार्ता ही नाही अहम ब्रह्म वा बद्ध निर्मूल नाही पहा द्रव्य लोभास जो आड आला मृषा सर्प तो युक्तिने दूर केला महालाभ हाता न येता पहा हो वृथा विघ्न नासे धनी तोषला हो अहम ब्रह्म बोधे जरी भ्रांति गेली स्वरूप स्थिति पूर्ण हातान आली उदयान आदित्य अद्याप आला परी कुक्कुटा तो महानंद झाला